नमस्कार मित्रों, तहे दिल से सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस फार्मिंग योगी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम आए हैं बनासकांठा, और बनासकांठा का वो आपको परिचय है कि ये पूरे भारत वर्ष में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला ज़िला है, और बनासकांठा के ही एक धानेरा करके जो तहसील है उसी पर आए, और धानेरा के बीच शहर में एक शानदार HF गायों का फार्म है, और ये HF गायों का फार्म चलने वाला मात्र 26 साल का युवा है, और वार्षिक 60 लाख से ऊपर का जो यहाँ पर दूध का टर्नओवर है। तो ऐसे यहाँ पर ये डेयरी फार्म वाले क्या करते हैं, कैसे दूध का व्यवसाय होता है, क्या उसके अंदर दिक्कतें होती है, क्या समस्या है, क्या निजात, पूरा हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो चलिए हम मिलते हैं इस डेयरी फार्म के ओनर से और जानते हैं कुछ इस डेयरी फार्म के बारे में। तो बने रहिए भाई। नमस्कार। तो भाई, पहले आप अपना छोटा सा परिचय दें आपका, और आप इस जगह के बारे में बताएं, और आपका मोबाइल नंबर भी कम कराएं। हमारा नाम चौधरी नानजी भाई ब्रह्मा भाई है जी, और हम गुजरात के बनासकांठा जिला में धानेरा तालुका में रहते हैं। अच्छा। और ये हमारा डेयरी फार्म है वो सिटी के बीच धानेरा में ही है। अच्छा। और हमारा मोबाइल नंबर है 8347642954 जी जी। तो भाई, ये हमें फर्स्ट में आप ये बताएं कि आपकी उम्र क्या है, और ये पहले आप डेयरी फार्म करते थे क्या? हमारी उम्र 26 साल की है जी, और ये पूरा डेयरी फार्म पहले हमारे फादर चलाते थे। अच्छा। और हम 4-5 साल से ये में शामिल हुए। अच्छा, यानी कि आप 4-5 साल से आप खुद ये हैंडल कर रहे हैं जी, जी। मैनेजमेंट पूरा आप यही कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो HF गाय है, और वहाँ पर पहले भी हमें जो, मैं सभी दर्शक मित्र उसे कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर जो बन्नी और मैसने का फार्म है उसका भी हमने वीडियो ऑलरेडी शूट किया है, और वो वीडियो आपको देखना है तो ऊपर जो आई बटन है वहाँ पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो भाई, हमें ये बताया कि आप 5-6 साल से आप पूरा ये मैनेजमेंट कर रहे हैं जी। तो ये पूरी गाय है जी, जो आप खुद यहाँ पर घर पर तैयार की या कोई और जगह से खरीद कर लाए? नहीं, हमने पहले तो सब खरीद कर ही लाई थी। अच्छा। पर बाद में हमारे यहाँ बछड़ी हुई, उससे तैयार करके हमने सब तैयार की है जी। तो फिलहाल आपके पास जो HF है वो कितनी है टोटल, हमारे मिला के? हमारे पास 40-45 है टोटल। टोटल जी। और कितनी दूध दे रही है फिलहाल? अभी तो 20 गाय है वो दूध दे रही है जी। तो हम यहाँ पर जो खुली गाय देख पा रहे हैं जी, तो ये खुली रखने का क्या कोई यूनिक पॉइंट है क्या, उसमें अंदर कोई अच्छा बेनिफिट होता है क्या खुली रखने से? नहीं, हमारे यहाँ खुली रहने की तो ये है कि जो अंदर है उससे वहाँ प्लास्टर किया हुआ है। अच्छा। तो वहाँ दूध दोने के लिए ही बांधते हैं, बाकी सब खुली रहते हैं। सब खुली रहती है, तो क्या है कि उसका वो हलन चलन करना, बैठना सब अच्छा होता है जी। तो मैं सभी दर्शक मित्र उसे यहाँ पर जो गोमंस है वहाँ पर हम लेकर जाते हैं और दर्शन करवाते। तो भाई, ये पूरी जो गाय है तो फिलहाल कितनी गाय मिल्किंग में है फिलहाल? अभी 20 गाय है। अच्छा। जो मिल्किंग में है। अच्छा, तो ये पूरा जो दूध है वो कितना हो जाता है पूरी 20 गायों का? एक दोनों टाइम का तो 250 से 300 किलो लीटर जितना हो जाता है। अच्छा। हाँ। और ये जो सारी गाय है ये पूरी क्रॉस है जी, प्योर कोई नहीं है? नहीं। तो ये पूरी जो गाय है आप यहाँ पर लोकल यहाँ से खरीद कर लाई या कोई बाहर स्टेट से लाई? नहीं, हमने 4-5 गाय वो हमने पंजाब से लाई है। अच्छा जी। और तो सब यहाँ की लोकल ही गाय है जी। आपने पंजाब से लाई जी? जी। तो ये उसमें क्या कोई अच्छी बातें हुई? पंजाब की गाय है, उसमें दूध ज़्यादा है। अच्छा जी। वो दूध ज़्यादा देती है। अच्छा, लंबे टाइम तक दूध देती है। हाँ जी। तो वो पंजाब की गाय कौन सी है वो हमें दिखाएं। वो पंजाब की गाय है वो हम आपको बता दें जी। तो यहाँ पर जो पंजाब की जो गाय यहाँ पर भाई ने लाई है वो भी हम देख लेते हैं कि यह बनासकांठा और पंजाब में क्या डिफरेंस है, और उसे प्रॉपर हम कैसे पहचान पंजाब की वो हमें ये भाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर जो ब्लैक गाय है भाई, तो ये हम देख पा रहे हैं ये ब्लैक गाय है, क्या उसे यूनिक पॉइंट है ब्लैक गाय रखने? ब्लैक गाय तो ये बछड़ी है वो हमने घर पे ही तैयार की है। अच्छा। पहले हमारे पास सब क्रॉस गाय थे। अच्छा अच्छा जी। HF गाय थी जी। वो पंजाब की कौन सी? ये पंजाब की गाय है। अच्छा जी। ये पंजाब कितना दूध है फिलहाल इसका? एक टाइम का दूध है 25 से 27 लीटर एक टाइम का जी। ये एक टाइम का 25 से 27 लीटर जितना दूध दे रही है। अच्छा, यानी कि दिन का 55 से 60 जी हो रहा है? जी जी जी। तो और कौन सी यहाँ पर जो प्रॉपर एक गाय का कितना मिल्क रिकॉर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा एक गाय का कितना दूध है फिलहाल इसे अपने फार्म पर? हमारे फार्म पर तो यही है ज़्यादा दूध यही है। और अपने जो क्रॉस गाय है वो कितना दूध दे रही है? वो एक टाइम का
12 से 13 से 15 लीटर जितना देती है। अच्छा। और दिन का 30 से 35 लीटर होता है। और जैसे कि ये कोई भी गाय हिट में आती है जी, तो आप कोई बुल रखते हैं या बीजान करवाते हैं? नहीं, हमारे पास बुल थे। अच्छा। पर अब तो हम बीजान नहीं करवाते। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब मोस्ट ऑफ ब्लैक गाय है, क्योंकि ये ब्लैक गाय है वो ज़्यादा यहाँ पर गर्मी में एडजस्ट हो जाती है, क्योंकि गर्मी यहाँ पर ज़्यादा रहती है जी। और फिलहाल इसी बनासकांठा में जो गाय आपती है और जैसे बुखार ज़्यादा हो जाता है, सो यहाँ पर जो ब्लैक कलर के जो गाय है वो ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर पाती है, आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पर जो मिट्टी है, जो बालू अपन रेत बोलते हैं, वो यहाँ पर लगाई हुई है और बहुत ही बड़ा और हाइट में शेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गायों को मिल्किंग निकालना है तभी ये गायों को यहाँ पर बांधा जाता है, बाकी सब खुली छोड़ दी जाते हैं। भाई जो आप ये गाय खुली छोड़ते हैं यहाँ पर, जो बनासकांठा है यहाँ पर जो प्रॉपर जो किसान है जी, वो गायों को बांध के रखते हैं जी जी, और यहाँ पर खुली छोड़ के रखते हैं जी, तो उसमें आपको कुछ अच्छा प्रॉफिट होता है जो खुली रखने का? क्या क्या मेन उसके अंदर यूनिक पॉइंट है वो बताएं। उसमें खुली रखने की ये पॉइंट है कि गाय को हम खुली रखते हैं तो उसका शरीर है जी, वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती है जी जी जी। और हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि उसमें ज़्यादा थोड़ा दूध ज़्यादा निकलती है। अच्छा, छुट्टी रखने से जी, यानी कि ये गाय ऐसे खुली रहेंगी जी, उसका जो माइंड एकदम फ्री रहेगा, हाँ, तो वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह से वो सर्वाइव कर पाएंगी जी, और जी। फ्री माइंड में रहेंगे तो उसका जो दूध भी है बढ़ोतरी वो हो जाएंगी जी जी, क्योंकि जो आप एक ही खून पर बांध कर रखते हैं जी, तो उसका जो मानसिक स्ट्रेस है वो ज़्यादा रहता जी, है और दूध में कमी तो रहती है, हाँ। और खुली रखने का मेन यूनिक पॉइंट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाती है जी। तो भाई हमें ये बताए कि आप ये सारे गायों का जो दूध है वो कहाँ पर सेल करते हैं? कोई सिटी में देते हैं या कोई डेयरी में देते हैं? नहीं, गाय का दूध तो हम डेयरी में ही देते हैं। अच्छा, तो क्या फैट उसके आते हैं? फैट आता है 3.5 से 4 फैट जितने। अच्छा जी। और एक लीटर का क्या मूल्य मिलता है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्स 25 से 30 रुपए तक मिलता है। अच्छा जी। और जैसे कि आप बोले कि यहाँ पर हमने खुद ऐसे गाय यहाँ पर तैयार की और पंजाब से लाई जी, तो आपको दोनों में ज़्यादा समस्या किस में लगती है, पंजाब की गायों में या यहाँ की लोकल में? नहीं, समस्या तो सब में एक ही है। कौन सी वाले? वो क्या है कि लोकल गाय में थोड़ी रहने की, गर्भ रहने की समस्या है और थोड़ी बीमारी की भी समस्या है। अच्छा। और पंजाब की गाय में ये भी समस्या है रहने की, गर्भ रहने की और थोड़ी बीमारी की। अच्छा, यानी कि रिपीट हो जाने की समस्या है जी। और भाई ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर जो ये गाय है जी, वो ज़्यादा बीमार हो जाती है जी, तो आप उसमें क्या मेन बीमारी है आपकी गायों में, क्या क्या होती है? बीमारी में तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी, ज़्यादा हो जाता है तो हम डॉक्टर बुलवा के इसकी जी। और आपके यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो शेड है वो हाइट में है जी, और यहाँ पर जो पवन है ये पूरा जो शेड है एकदम ठंडा है जी, और तो भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ ये गायों में मेन समस्या मेन हाँफने की होती है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाय है वो भी हाँफ रही है। तो भाई हमें ये बताएं कि आप 30 रुपये दूध सेल करते हैं जी, तो आप यहाँ पर कोई गाय भी सेल करते होंगे जी जी, कि हम 12 महीने में कितने गाय सेल करते हैं? पूरे साल में हम 5 से 6 गाय सेल करते हैं। अच्छा, तो उसमें भी हमको 3 से 3.5-4 लाख जितना प्रॉफिट होता है। अच्छा, और ये गायों में जो 12 महीने के गायों में कितनी इनकम है? गायों में हमारी इनकम पूरी टोटल 40 से 45 लाख जितनी अकेली गायों में जी, और गाय भी सेल करते हैं जी जी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों, ये भाई ने बहुत ही हाईटेक तरीके से यहाँ पर शेड बनाया गया है, और भाई यहाँ पर जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे काप है जी, ये छोटे काप है जी जी, यानी कि कुछ गाभिन है, कुछ बियाने वाले हैं, कुछ छोटे हैं, वो अलग से शेड है जी। तो ये साथ में नहीं रखते, उसका क्या मेन पर्पज़ है, क्या उसके अंदर कोई साथ में रखने की कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं, दिक्कत तो ये है कि वो छोटे है जी, और ये गाय है तो बड़ी है। अच्छा, तो इसको हम वो चारा नाखते हैं तो छुट्टी रखते ही ना, छुट्टी रहते हुए ही नाखते हैं जी जी जी, तो बच्चे अलग रखे तो वो अपनी मर्जी से वहाँ खाए जी, और बड़ी गाय के साथ हो तो बड़ी गाय ज़्यादा खा लेती है। अच्छा, और बच्चे को मिलता नहीं है जी जी, तो हम बच्चे अलग रखते हैं जी। भाई तो आप जैसे कि ये पूरा जो दूध है वो बड़ा डेयरी में देते हैं जी जी, और आप ये गायों में मेन क्या बीमारियाँ होती है, मेन क्या बीमारियाँ होती है जी जी, वो हमें बताएं। मेन बीमारियाँ तो बस गाय की है, वो टेम्परेचर की है। अच्छा, और थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो तो वो आपती है। अच्छा, और तो कुछ और ये गायों में आप 12 महीने में कोई वैक्सीन लगाते हैं क्या?
जी वो वैक्सीन लगाते हैं। कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं? वो एक वैक्सीन है वो इसको वो ताव बोलते हैं अपने, बुखार, बुखार। अच्छा, उसकी वैक्सीन आती है। और कोई जैसे कि यहाँ पर जो बनासकांठा जो बनास डेरी है जी, वो जो खुर पका मुँह पका जो जिसे अपन एफएनडी बोलते हैं जी जी, जिसे अपन गुजराती में खरुआ मुआ बोलते हैं, हाँ वो भी वैक्सीन लगाते हैं। अच्छा जी। और जो गलसुटा जो गले में जो साले पड़ते हैं जी, उसके भी लगाते हैं? हाँ जी, उसकी। और ये बनास डेरी की ओर से जो पूरी वैक्सीन है वो फ्री में मिलती है? हाँ जी, फ्री में मिलती है जी। वो वैक्सीन तो हमारे यहाँ जो डेयरी डेयरी में पूरे कर्मचारी है जी, ये एआई के कर्मचारी होते हैं जी जी, उस वैक्सीन लगा देना। अच्छा। तो हमारे यहाँ आके फ्री में ही वैक्सीन लगा देते हैं जी। मित्रों आपको पता ही है कि जो बनास डेयरी है पूरे भारत में विस्तार है, और जिसे अपन अमूल बोलते हैं, और जो बिहार है जैसे यूपी है उसे जो ये एसएफ गाय का जो दूध सेल करना होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन ये गुजरात में जो बनास डेयरी है और जिसे अपन जिस जगह पर खड़ा है ये बनासकांठा है और बनास डेयरी यहाँ पर है, तो हमारे जो सभी पशुपालन भाई है उसे ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दूध के जो सेल होता है, जो गांव में जो छोटे छोटे डेयरियाँ होती है यहाँ पर वो दूध दे देते हैं, और ये दूध सेल करने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहती। और बिहार और हरियाणा पंजाब यहाँ पर जो दूध हैंड टू हैंड जाकर, ये ज़्यादा दिक्कत वाला काम है जी। तो भाई हम यहाँ पर जो सारी गौ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप बुल रखते हैं या कोई सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम AI करवाते हैं। अच्छा जी। तो जो AI वर्कर है तो कौन से सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं? ये डामा सीमेंट स्टेशन के या कोई प्राइवेट वाला आते हैं? नहीं, प्राइवेट वाला तो नहीं है, हमारे बनास डेयरी का ही है। अच्छा जी। तो आप जैसे कि यहाँ पर सीमेंट करवाते हैं जी, तो आप वो कौन से सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको नॉलेज रहता है कि ये कितना रिकॉर्ड वाला बुल का सीमेंट है? हाँ, वो तो बता रहे हैं कि एक टाइम का 15-20 लीटर दूध वाली बुल है इसकी माँ, बुल की माँ। अच्छा, ऐसा भी दंग करते हैं जी। तो भाई आप ये देख पा रहे हैं कि ये सारी गाय है, तो एक दिन का कितना टर्न ओवर हो जाता है दूध में, जो प्रॉपर जो आप डेयरी में दे रहे हैं तो कितना एक दिन का हो जाता है, कितने पैसों का? एक दिन का गाय का 8 से 10 हज़ार जितना दूध हो जाता है एक दिन का, एक गाय गाय में जी जी। और उसमें कितना खर्चा होता होगा? खर्चा तो 70 से 75% जितना हो जाता है, और एक दिन का वो 25 से 30% जितना बचता है। अच्छा, यानी कि 3-4 हज़ार रुपया बच जाता है जी जी जी। तो हमारे जो नए पशुपालन भाई है जी, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ये डेयरी फार्म में बेनिफिट जो प्रॉफिट है अच्छा है जी, क्या जी कहना चाहेंगे? हम तो बस इतना कहेंगे कि डेयरी फार्म में अच्छी मेहनत से आप करेंगे जी तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। अच्छा, और बहुत सही तरीके से जी, यानी कि फिलहाल तो थोड़ा की ये दाना है जो फीड है जी, उसकी महंगाई ज़्यादा हो गई है, सो अभी फिलहाल जो इनकम है जी, जो प्रॉफिट है वो कम बच रहा है जी। तो भाई जैसे कि आपने ये पूरे जो गाय एक साथ नहीं लाई, कम कम लाई, तो हमारे जो काफ़ी पशुपालन भाई है उसे ये फिलहाल जैसे कि कोई जॉब करते हैं जी, कोई छोटा बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा महामंदी चल रही है जी, तो ये फार्म के आना चाहते हैं तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो कैसे पशुपालन करें, शुरुआत में कितने गाय लाए और कैसे वो मेंटेन कर पाए वो थोड़ा बताएं? हमने तो शुरुआत में 5-6 गाय लाई थी जी, फिर धीरे 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 उसकी बछड़ी हुई जी, वो घर पे हमने तैयार की जी, और धीरे 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 अभी हमारे पास 50 गाय जितनी है। अच्छा जी। तो भाई हमें ये बताया कि ये गाय है वो ज़्यादा बीमार हो जाती है जी, तो कितनी इसकी केयर करनी पड़ती है, कितनी केयर करनी पड़ती है और कितना उसके अंदर समय देना होता है? हम तो उसको सुबह में 4-5 घंटे सुबह में इसके पीछे देते जी, और सांझे 4-5 घंटे देते जी। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बनास डेयरी है जी, वो फीड प्रोवाइड करती है जी, तो जी। कौन कौन सा फीड का आप इस्तेमाल करते हैं? हम बनास दान का उपयोग करते हैं जी, और तुवेर की चूरी आती है जी उसका, और बाजरी कटिंग करके शामिल करते हैं जी जी। और ये 1 kg का क्या मूल्य होता होगा, जो फीड आप सब मिक्स करते हैं तो कितना 1 kg का कितना मूल्य होता होगा? 1 kg का 25 से 30 रुपये तक होता है। अच्छा, यानी कि फिलहाल 25 से 30 यहाँ पर थोड़ा का दाना में सब जी बढ़ोतरी हुई है जी जी। जो और ये हरे चारे में आप क्या देते हैं? हरे चारे में देते हैं हम ज्वार देते हैं। ज्वार जी। और सूखे में? सूखे में बाजरे की कटिंग है। अच्छा, और साइलेज का इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं, साइलेज इस्तेमाल करते हैं पर अभी नहीं है। अच्छा, यानी कि अभी फिलहाल आपके पास हरा चारा का जी उपलब्धि है, हाँ। सो आप साइलेज का इस्तेमाल नहीं करते? नहीं जी। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हरा चारा है, और भाई ने यहाँ पर पूरी तरह से ये चारों दिशाओं में नाद अलग से बनाई गई है, आप देख सकते हैं। और जो पूरा शेड है वो एकदम खुला है, और कोई भी पशुपालन भाई इस गायों के साथ रहना चाहता है, ये डेयरी फार्म करना चाहता है,
तो आप जैसे खुली गाय रखेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और थोड़ी जगह आपको चाहिए और शेड बहुत हाइट वाला चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर ये खुली गाय रखना और ये शेड हाइट में रखना अति आवश्यक है। तो ये थे नानजी भाई पटेल जो हमेशा हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी। नानजी भाई थैंक यू, हमारे साथ जुड़कर हमें शानदार माहिती दी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।